जनता बदलाव चाहती है, बात से बदलाव लाना चाहती है और जनता एक आपने देखा है कि केंद्र में मोदी जी को जिस तरह देश में उनको वोट देकर फिर से सरकार बनी है उसी तरह रामपुर में भी वैसा ही बदला लाना चाहते हैं जनता। और एक परिवारवाद के जो सियासी मुद्दा चल रहा है कि परिवार में ही पत्नी को भी विधायक बनाना है, बेटे को विधायक बनना है, खुद सांसद बनना है, इस तरह का जो सिलसिला चली आ रहा है उससे एक बदलाव लाकर यहाँ के जो जनता यहाँ पे कारखाना बने हो या यहाँ पे रोजगार हो तो उस तरह का एक अच्छा माहौल में लोग जीना चाहते हैं और विकास के नाम से वोट देना चाहते हैं। मैडम, तंजीम फातिमा जी ने कहा है कि पुलिस उनके लोगों को मार रही है और वोट डालने नहीं दे रही है, अत्याचार कर रही है। देखिए, फर्जी वोट तो प्रशासन तो डालने नहीं देगी, पहले एक आदत हो चुकी है कि लोगों को फर्जी वोट देकर दे देकर लाखों में वोट लेना। अब प्रशासन सख्त हो रहा है तो उनके ऊपर शिकायत हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि फर्जी वोट ना दे तो असली वोट ही दे। जितना जितने लाखों में आएगा या हजारों में आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा ना, तो इसमें प्रशासन को खोसने का क्या बात है। इसमें दिल्ली से आए आप वोट डालने के लिए, तो इतना आपने कष्ट किया। ये तो मतदान हमारा फर्ज बनता है और वोट का हक बनता है, इसलिए मैं रामपुर के एक पैगाम देना चाहती हूँ कि हर परिवार घर से निकले और वोट देने के लिए आए और अपना मतदान करे और हक जताए।